खबर मिर्जापुर से है, जहां बिजली विभाग की टीम चेकिंग करने कोतवाली विद्यांचल के पास पहुंची। वहीं चेकिंग के दौरान दबंग किस्म के एक उपभोक्ता द्वारा अवर अभियंता और दलित बिजली कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार शब्दों का प्रयोग किया गया। वहीं अवर अभियंतक ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा और अधिकारियों कर्मचारियों के साथ अभद्रता का मामला दर्ज किया है। हमारा मुकदमा चल रहा है और 4 किलोवाट का रही है, हमारे यहाँ चक्की चल रही है। कसडोल रेस्ट हाउस में आज भाजपा के राज्यसभा सांसद श्रीमती सरोज पांडे का कसडोल रेस्ट हाउस में भव्य स्वागत हुआ है, जिसमें श्रीमती पांडे आज कसडोल में मोर आवास मोर विश्वास रोक के रखे भूपेश सरकार कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं इस अवसर पर भूतपूर्व विधायक गौरी शंकर अग्रवाल, सनम जांगड़े आदि उपस्थित रहे। वही खबर सोनभद्र से है, जहां स्थानीय टाउन क्लब मैदान में 36वें अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज किया गया। क्रिकेट मैच का उद्घाटन प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संजीव गोंड ने फीता काट कर एवं बैटिंग कर किया है। वही समारोह के संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री संजीव गोंड ने कहा है कि यहाँ खेल के प्रति लोगों में अच्छी रुझान देखने को मिलती है। इस क्षेत्र के खेल व खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के लिए पूरा योगदान देकर होनहार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 35 वर्षों से भव्य अंतरराज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना क्षेत्र के लिए एक गर्व का विषय है। आज 36वें वर्ष के आयोजन के लिए कमेटी बधाई का पात्र है। इस क्षेत्र में आता रहता हूं और बहुत स्नेह इस क्षेत्र से मिलता है, ऐसे सभी भाइयों का मैं हार्दिक दिल से अभिवादन करता हूं। और आज जो भाई दिलीप पांडे जी ने अपनी बातों से कहे, वास्तव में इस क्षेत्र में आवश्यकता है, क्योंकि बरसात के दिनों में बहुत से हमारे भाई सुबह उठ करके अपना बैडमिंटन खेलना हो, चाहे किसी प्रकार का योगा करना हो, तो उनको उस तरह से व्यवस्था नहीं मिल पाता है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ साथियों कि निश्चित रूप से मैं वादा करके जा रहा हूँ और विश्वास भी दिला के जा रहा हूँ, निश्चित रूप से इंडोर स्टेडियम बनवाने का काम करूंगा। खबर देवास के हाट पिपलिया से है, जहां राष्ट्रीय मंसूरी समाज के जिला अध्यक्ष एहसान मंसूरी को नगर के लोगों और राजनीतिक दलों ने पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। बता दें कि नगर में किसी भी धर्म का आयोजन हो, उसमें एहसान मंसूरी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इसीलिए हाट पिपलिया सांप्रदायिक सौहार्द का नगर माना जाता है। वहीं जिला अध्यक्ष के मक्का मदीना शरीफ जाने पर नगर वासियों ने उनका मदीना मस्जिद पहुंचकर साफा पहनाकर स्वागत किया है। आप चुनाव जीते हैं तो पहला मुद्दा क्या रहेगा? पहला मुद्दा रहेगा पानी का। जिस जगह पानी नहीं है उस जगह बड़ा वाला टंकी जो हर एक घर का पानी का पूर्ति कर सके। और दूसरा हमारा मुद्दा है कि बजरगंज नगर पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें सब तरह का व्यवस्था कराने के हर एक कोशिश करूँगा। खबर कानपुर से है, जहाँ कविता मास्टर कुकिंग क्लासेज और हेल्पिंग हैंड टीम की ओर से नौबस्ता स्थित बस्तियों के लोगों को 100 से अधिक कंबलों का वितरण किया गया। वहीं आयोजक मास्टर सेफ ने बताया है कि पिछले 8 वर्षों से इस सर्दियों के मौसम में नए कंबलों का वितरण किया जा रहा है, जहाँ इस वर्ष भी ठिठुरता ठंड से बचाने के लिए कंबल बांटे गए हैं। साथ ही भविष्य में बढ़ते कोरोना के खतरे से बचाने के लिए सभी को मास्क भी बांटे गए। वहीं उन्होंने स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया है, साथ ही छोटे बच्चों को खाद्य पदार्थ भी बांटे।
आज ये नौबस्ता बस्ती में जो है कंबल डोनेशन के लिए हम आए हैं। सो कविता मास्टर कुक की क्लासेस से मैं शेफ कविता सिंह और साथ में हेल्पिंग हैंड की पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पर आज है और हमने एक छोटी सी मुहिम जो है स्टार्ट की थी। सो आज उसका पहला कदम है। सो ये नौबस्ता बस्ती में यहाँ पर हम लोगों ने आज 100 से भी ज़्यादा कंबल डोनेट किए और छोटे बच्चों को साथ में थोड़ा सा कुछ खाद्य पदार्थ जो है उनके बच्चों के अकॉर्डिंग वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट को साथ में सबसे बड़ी चीज़ है मास्क वितरण किया, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कानपुर में एक केस भी निकला है और जगह जगह आप देख रहे हैं कि कोरोना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो यही चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी चीज़ है सेफ्टी, तो सेफ्टी के साथ काम करें, मास्क पहनना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी से हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि कोरोना उस तरफ से डेवलप नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जैसे KMCC प्रेजेंट कंबल ब्लैंकेट डोनेशन एंड विद हेल्पिंग हैंड टीम हमारे साथ आज इस काम में रही है, तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ अगर थोड़ा थोड़ा सा कदम बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हम पूरे कानपुर को इस कड़कती हुई सर्दी से बचा सकेंगे। तो जैसे एक कदम आज KMCC शेफ टीम एंड हेल्पिंग हैंड टीम ने उठाई है, उसी तरह से एक कदम। खबर नरकटियागंज से है जहां प्राथमिकी अभियुक्त को मारपीट के मामले में आरोपी को साठी पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस संदर्भ में थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया है कि न्यायालय के आदेशानुसार 2 वर्षों से आरोपी फरार चल रहा था। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खबर आगरा से है जहां खेरागढ़ में बीती रात सैया तिराहे पर बिजली के खंभे से टकराकर ट्रक में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं बताते चले कि ट्रक चालक और परिचालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई, साथ ही पास के पेट्रोल पंप के फायर यंत्रों बालू मिट्टी डालकर कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। बताते चले कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची। वही खबर हरदोई के अरवल से है जहां तमाम गांवों के किसान और ग्रामीणों ने आवारा जानवरों से त्रस्त होकर करीब 100 से अधिक जानवरों को घेर कर टिकार दहलिया मार्ग पर लाकर रोड को जाम कर दिया। बता दें कि इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वही सूचना मिलने पर SDM तहसीलदार सहित पुलिस बल मौके पर पहुंची, साथ ही ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। वही आवारा गौवंशों को गौशाला भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। खबर महाराजगंज जनपद से है जहां हाल ही में सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के जंगल की नहर में सफाई के दौरान बोरे में शव मिला था, जिसके हाथ पर अमरजीत और करणी माता का टैटू बना था। मैं बताते चले कि सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शव के पास से साइकिल व मृतक का आधार कार्ड भी मिला है। वहीं सनसनीखेज हत्या का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 15,000 नगद का इनाम दिया गया है। 4 दिसंबर को एक नहर की सफाई के दौरान एक बोरे में पैक एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। उसकी शिनाख्त करने में उनके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, जिसके माध्यम से पुलिस को क्लू लगा था और जिसपे एक अमरजीत नाम लिखा था और करणी माता का नाम लिखा था। उस टैटू को फॉलो करते हुए जब पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की गई, जाँच पड़ताल की गई, तो उस मृत व्यक्ति की शिनाख्त हुई अमरजीत गौड़ नाम के व्यक्ति के नाम से। उस पर लगातार पुलिस द्वारा सभी प्रकार के तरीकों से जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा था और आज काफ़ी अथक परिश्रम के बाद, और सबसे अच्छी बात है कि एक मैनुअल तरीके से इसमें लगातार लग के पुलिस की टीम, थाने की टीम, SOG की टीम द्वारा लग के आज इसमें अनावरण किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त क्रमशः जिनका नाम है राजकुमार, लड्डू और नगीना, जो थाना बिटौली क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके द्वारा इस व्यक्ति के ऊपर प्रहार किया गया था जिसमें इसकी मृत्यु हुई थी। खबर महाराजगंज से है जहां जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा दरौली के रहने वाले व्यक्ति को उन्हीं के गांव के लोगों ने 2-2 बार मारा पीटा और तहरीर देने पर थाने पर सिर्फ NCR दर्ज कर लिया गया। वहीं पीड़ित ने बताया है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके संदर्भ में आज सुरेश SDM सदर से मिलने पहुंचा है, जहाँ SDM सदर ने उसे कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरा मामला है एक दलित उत्पीड़न और मैं अभी अभी जो है SDM साहब से मिल करके आ रहा हूँ। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, जो भी लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी
और आपके हक व हिस्से की यानी 1/4। हम अपने बाप के, हम लोग 4 पुत्र हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। मंगल पुत्र शिवनाथ, उसके बाद विकाल पुत्र शिवनाथ, जैन पुत्र शिवनाथ और मैं यानी कि सुरेश पुत्र शिवनाथ, ग्रामद्रौली को शिकारपुर थाना कुतवाली षड़यंत्र महाराज। तो क्यों उत्पीड़ित कर रहे हैं लोग? उत्पीड़न इसलिए हो रहा है कि यह जो है गुलाब वर्मा जो है सामान्य जात से बिलोंग करता है, मैं जो है अछूत जात अनुसूचित जात समाज से बिलोंग करता हूँ। ये हमारे यहाँ को हिस्से की जमीन जो है जबरदस्ती जोत बो रहा था, जिसका नाम है बिकाऊ पुत्र शिवनाथ, ग्राम द्रौली, ग्रामवासी, सभी ग्रामवासी हैं। तो उस जमीन को हमारे नाम पर जो था नहीं सब दे रहे थे। मैं सबसे छोटा हूँ, मेरा परिवार नहीं है, शादीशुदा नहीं हूँ, फिर कब्जा था और मांगने पर जो हमारे यहाँ को हिस्से की जमीन नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने उसको बेच दिया सुग्रीन धोबी ग्रामवासी। तो उसको रंजीश को लेकर के ग्राम प्रधान भाइयों को बांका करके कई बार मारपीट कराया है।